स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डिलीवर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम सब मिलकर मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन परमेश्वर वाला चक्कर। जिस तरह एक सैमुअल की पुस्तक अध्याय 11 की 14 आयत में लिखा है, तब सैमुअल ने इजराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानी और यूनानी भाषा में गिलगाल को शब्द पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है कि व्हील यानी पहिया, जिसको जीवन का पहिया कहते हैं। आपके जीवन में एक तरफ परमेश्वर की योजना है और दूसरी तरफ शैतान की योजना है। आप किसकी योजना पूरी करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप परमेश्वर वाले पहिए यानी चक्कर में पड़ेंगे तो आप ऊंचे और आशीषित होंगे, और अगर शैतान वाले चक्कर में पड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद छोटा था तो वह अपने पिता की दी हुई थोड़ी सी भेड़ों को चराता था जो उसके पिता ने उसे दी थी। चरवाहे का काम बहुत कठिन होता था, रात रात भर जागना पड़ता था, लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर वाले चक्कर में था और उस कठिन समय में भी परमेश्वर के साथ वफादार था। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसके द्वारा गोलियत को मरवाया और पूरे इजराइल का राजा बनकर उसे अपनी गद्दी पर बिठाया। पर शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के चक्कर से निकलकर उसके चक्कर में पड़ जाएं। पर जब दाऊद का राज्य स्थिर होकर सामर्थ्य हो गया तो बाइबल बताती है कि वह अपनी छत पर टहल रहा था और छत से उसने एक लड़की को नहाते हुए देखा। उसे वह पसंद आई, उसने उसे बुलाया, उसके साथ सोया और उस लड़की के पति को मरवा कर उसे अपना कर लिया। तब परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि अब तू शैतान वाले चक्कर में पड़ गया है, इसलिए राजा होने के बाद भी उसे नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों में भागना पड़ा जहां पर वह पहले भेड़ बकरियां चराता था। शैतान ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से परमेश्वर ने उसे निकाला था। याद रखें, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं और मसीही के लहू से धुल चुके हैं, पर अगर आप अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में पाप में हैं, तो यह आपके लिए एक भविष्यवाणी है कि आप फिर से शैतान के चक्कर में पड़ रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब एक व्यक्ति शैतान के चक्कर में पड़ता है तो फिर उसे अपनी आत्मिक तैयारी शून्य से शुरू करनी पड़ती है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल है। गिलगाल का मतलब होता है कि अपने जीवन को दोबारा से परमेश्वर के अनुसार शुरू करना, अपने पापों और गलतियों को दूर करके परमेश्वर वाले पहिए में स्थिर होना। इसलिए सैमुअल ने इजरायलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल को चलें और वहां से अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। पर शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के चक्कर में जाकर स्थिर हो, इसलिए वह आपको सुंदर और मन भावनी चीजें दिखाकर व्यभिचार, चोरी, बेईमानी में आदम और हवा की तरह फंसा कर गिराना चाहता है और अपने चक्कर में डालना चाहता है। पर अगर आप परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए सचेत हैं तो आप हमेशा आत्मा के अनुसार चलोगे और परमेश्वर के चक्कर में बने रहेंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी योजना वाले चक्कर में बना रहूँगा और हर तरह के पाप से दूर रहकर आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।